निवासी अस्पताल में आग लगने से 6 महीने की बच्ची समेत 8 लोगों की मौत। रस्साकसी के दौरान छात्र को आया हार्ट अटैक। स्कूल बस पलटने से 40 बच्चे घायल, 5 की हालत गंभीर। अब खबरें विस्तार से। अंधेरी स्थित ESIC कामगार अस्पताल की 4th मंजिल पर सोमवार शाम आग लग गई। हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 8 हो गया है। इसमें एक 6 महीने की बच्ची की भी मौत हो गई। 106 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सीढ़ियों से गिरने की वजह से एक की मौत हो गई। घायलों को 7 हिल्स हॉस्पिटल, होली स्पिरिट हॉस्पिटल और कपूर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घाटकोपर स्थित सोमैया कॉलेज में आयोजित एनुअल स्पोर्ट्स डे कार्यक्रम में रस्साकसी के दौरान एक स्टूडेंट की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। विपिन सोनी समेत इवेंट में लड़के और लड़कियां 2 टीम में खेल रहे थे। उसी दौरान विपिन जमीन पर गिर गया, जिसके बाद छात्र और टीचर विपिन को लेकर घाटकोपर के राजवाड़ी अस्पताल गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित बताया। घटना के बाद स्पोर्ट्स डे के आगे के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। घटना से कॉलेज प्रशासन और छात्र छात्राएं सदमे में है। बिहार के समस्तीपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ बच्चों को लेकर जा रही एक स्कूल बस के पलट जाने से 40 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल बच्चों को DMCH रेफर किया जा रहा है। हादसे के बाद से घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस हादसे के बारे में बच्चों के परिजनों को जैसे ही पता चला, वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।